नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आई अमर सिंह। दोस्तों, नॉच की वजह से Redmi 6 Pro में कई सारे डिफरेंसेस आए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को अभी तक दो तीन ऐसे डिफरेंसेस मिले हैं जो कि नॉच की वजह से इसमें अलग दिख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला डिफरेंस जो है यहां पे अदर डिवाइसेस से, जैसे अलग जो Xiaomi के डिवाइसेस आते हैं, जब आप रिकॉर्डर ऑन करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहां रिकॉर्डर ऑन करा है और अगर आप इसे स्टार्ट कर देते हैं तो, और होम स्क्रीन पे जाते हैं, तो ये देखिए जो रिकॉर्डर है जो है अदर Xiaomi के डिवाइसेस में वो पूरा बड़ी सी प्लेन पट्टी बन के आती, लेकिन यहाँ देखिए साइड में रिकॉर्डर दिखा रहा है। एक तो पहला चेंज ये है। दूसरा जो अदर चेंज की बात करी जाए वो है यहाँ पर, तो दोस्तों जो भी इंटरनेट की स्पीड होती है वो आपके ऊपर पैनल में दिखाती है। ये देखिए यहाँ पे अदर Xiaomi के डिवाइसेस में वो यहाँ पर दिखाता है, लेकिन ये नॉच यहाँ पे लगी हुई है, तो इसलिए अब क्या कर दिया गया है वो यहाँ पर है, यहाँ पर ये चीज शो करती है। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करके लाओगे तो ये यहाँ पर शो करेगा आपका। दोस्तों तीसरी चीज की बात करी जाए तो उसमें जो बैटरी परसेंटेज है वो भी यहाँ पर शो करता है। बैटरी परसेंटेज को यहाँ पे अगर आप ऑन करना चाहेंगे, यहाँ शो करने लगे तो वो चीज यहाँ पे शो नहीं करती है। और नोटिफिकेशन वगैरह के जो आइकन वगैरह हैं वो यहाँ पर शो करते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े शो करते हैं, ज्यादा शो नहीं करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि Redmi 6 Pro में नॉच की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। ये दो तीन डिफरेंसेस मैंने जो देखे थे मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।